हेलो एवरी वन वेलकम टू एग्रीकल्चर ट्वेंटी फोर सेवन आई एम प्रतिभा शर्मा और आज के सेशन में आप मेरे साथ करने वाले हो जूलॉजी पोर्शन जिसमें हम एंटोमोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि आपका सी डब्ल्यू सी का जूलॉजी का पोर्शन अगर सिलेबस आपने देखा होगा उसमें इंसेक्ट मोर्फोलॉजी इंसेक्ट एक्सोनमी वट आर इंसेक्ट्स वट आर रोडेंट्स ये सब सिलेबस में आता है तो यही सब के क्वेश्चंस जो हैं वो हम इस सेशन में प्रैक्टिस करने वाले हैं सो गुड मॉर्निंग मधुरेमा बबलू मैंने गुड इवनिंग तो नहीं बोल दिया मुझे समझ भी नहीं आता कभी कभी क्योंकि उड़ान में गुड इवनिंग बोलने की आदत है ना तो मैं स्टार्ट ही ऐसे करती हूँ गुड इवनिंग एवरी सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप में से कोई भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ ही साथ अटर ट्वेंटी फोर सेवन की मोबाइल ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हो जहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं फ्री फीचर्स मिलते हैं जैसे कि आपको पता चलेगा कौन सी वैकेंसी कब आ रही है आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता चलेगा आप डेली अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है क्विजेज अटेंड कर सकते हैं साथ ही साथ आपके पास पावर कैप्स्यूल है यहाँ पे मैगजीन्स हैं लिंक आपके सामने दिया है और अगर आप इंस्टॉल करते हो एप्लीकेशन को तो आपको कुछ क्वाइंस मिलेंगे उन क्वाइंस को आप यूज़ कर सकते हो हमारे किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो उन क्वाइंस को आप यूज कर सकते हो साथ ही साथ एक और फीचर अभी है अगर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो वहां पर होम पेज पर पे एक स्पिन द व्हील आएगा आपको उस व्हील को स्पिन करना है और जहाँ पर भी वो रुकेगा वो दिवाली गिफ्ट आपके लिए हमने रखा है ठीक है तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज ट्रांसमिटेड बाय तो ये जो आपका प्लांट प्रोटेक्शन है प्लांट प्रोटेक्शन में आप अपने प्लांट को जो आपके डिजीजे होते हैं फंगल बैक्टीरियल वायरल या इंसेक्ट पेस्ट होते हैं या वीड्स होती है उन सबसे प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है अब ये जो वायरस है ये एक वायरल डिजीज है दैट इज लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल ये किससे ट्रांसमिट होता है एफिड से हॉपर से थ्रिप्स से या बर्ड से बताओ बताओ जल्दी आंसर बताओ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज ट्रांसमिटेड बाय ओके सो हियर द राइट आंसर इज लिटिल लीफ जो है वो हॉपर से ट्रांसमिट होता है ठीक है हॉपर से नेक्स्ट फैमिली ऑफ येलो स्टेम बोरर इज येलो स्टेम बोरर की फैमिली कौन सी है ये जो येलो स्टेम बोरर है ये किसका पेस्ट है पैड़ी का पेस्ट है यानी राइस का पेस्ट है ठीक है? राइस का या पैड़ी का ये पेस्ट है अब ये एक मोनोफेगस पेस्ट है यानी ये सिर्फ राइस को ही डैमेज करता है और किसी को भी ये डैमेज नहीं करता है इसके सिम्टम क्या रहते हैं ये पैडी का जो स्टेम होता है है ना उसमें डेड हार्ट कॉज करता है खोखला बना देता है उसको तो डेड हार्ट सिम्टम्स जो है येलो स्टेम बोरर कॉज करता है इसके साथ साथ एक और सिम्टम ये कॉज करता है एक ड्राई अपियरेंस हो जाती है जिसे कहते हैं वाइट ईयर हेड ठीक है तो ये सब चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए नाउ अगर इसकी फैमिली की बात करें तो ऐसे याद रखेंगे ये जो वाई है है ना वाई है और ये वाई है है ना वाई और वाई पायरलिडे इज द फैमिली ऑफ यलो स्टेम बोर ठीक है तो इन सब फैक्ट को लिख लीजिए आप लिख लीजिए पैडी का मोनोफेगस पेस्ट है मोनोफेगस का मतलब होता है मोनो मतलब एक फेगस मतलब कि एक ही टाइप का खाना खाता है सिर्फ राइस को खाता है अगर फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली हो जाएगी नंबर टू पायरलिडे ठीक है क्या फैमिली हो जाएगी पायरलिडे नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द इंसेक्ट हेड इंसेक्ट के हेड में कितने सेगमेंट्स पाए जाते हैं ऑप्शन आर ए सिक्स बी टू थ्री थ्री या फोर फोर कितने सेगमेंट्स पाए जाते हैं इंसेक्ट के हेड में जैसे कि आपने देखा होगा सी डब्ल्यू सी में जो जूलॉजी पोर्शन है उसमें इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी है तो इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी में हम उसकी जितनी भी हेड है थॉरिक्स है विंग्स हैं लेग्स हैं एब्डोमेन है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे अगर मैं बात करूं कि हेड में कितने सेगमेंट्स होते हैं ओके वेरी नाइस प्रतीक्षा इट इज सिक्स सेगमेंट्स है ना कुछ लिटरेचर में सेवन भी लिखा हुआ है तो वो प्री एंटीनल सेगमेंट होता है अब मैं आपको बता देती हूं कि हेड में कौन कौन से सेगमेंट्स पाए जाते हैं गुड मॉर्निंग दामिनी गुड मॉर्निंग कैसे याद रखोगे कौन कौन से सेगमेंट पाए जाते हैं ओ लल्ला ओ लल्ला इधर आ है ना इधर आ आंटी को आंटी को मां मत बोल ठीक है ओ लल्ला इधर आ आंटी को मां मत बोल तो ओ फॉर ऑक्यूलर रीजन ये सेगमेंट है ऑक्यूलर लल्ला मींस आपका आ गया लेबियल ठीक है इधर मतलब इंटर कैलरी इंटर कैलरी आंटी मतलब एंटीनल रीजन एंटीनल ठीक है मां मतलब मैग्जिलर रीजन और मैंब्यूलर रीजन मेंडिब्यूलर रीजन एक दो तीन चार पांच ठीक है ये हो गए आपके सिक्स हेड के सेगमेंट्स अब ये जो आपका ऑक्यूलर सेगमेंट्स होता है इसमें आईज आती हैं ठीक है जो भी आईज होती हैं वो किसमें आती हैं इंसेक्ट के ऑक्यूलर रीजन में आती हैं लेबियल रीजन में लेबियम आता है लेबियम क्या होता है जो इंसेक्ट का लोअर लिप होता है उसे कहते हैं लेबियम तो लोअर लिप कौन से रीजन में या सेगमेंट में आता है लेबियल सेगमेंट में इंटर सेगमेंट में लेब्रम आता है लेब्रम किसे कहते हैं अपर लिप ऑफ इंसेक्ट को क्या कहते हैं लेब्रम कहते हैं एंटीना सबको पता है जो दो मूछे टाइप होती है इंसेक्ट के आगे जिसे हम सेंसरी ऑर्गन कह देते हैं तो एंटीनल में आपके एंटीने आते हैं कितने एंटीने होते हैं वन पेयर ऑफ एंटीना होता है किसी इंसेक्ट में दैट इज योर टू एंटीनास है ना और इसी एंटीना के थ्रू इंसेक्ट को पता चलता है कि भाई कुछ होने वाला है या कोई खाना रखा है फेरोमोन्स जितनी भी डिटेक्शन होती है सेंसेस होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं एंटीना की वजह से होती है देन मैग्जिला मैग्जिला को हम कहते हैं सेकेंडरी जॉज सेकेंडरी जॉज और मैंडिबल होते हैं प्राइमरी जॉज प्राइमरी जॉज ठीक है तो एक्चुअल में जो चबाने का काम करता है जो ट्रू है ट्रू जॉज है प्राइमरी जॉज है वो है मैंडिबल और जो पकड़ने के काम या ज्यादा से ज्यादा काट देता है उसके काम आते हैं मैग्जिला ठीक है तो ये सारे रीजन है ये मैंने आपको ट्रिक बता दी ठीक है और ये सारे रीजन बता दिए अब मैंने बोला कुछ लिटरेचर में जो है वहां पर सेवन सेगमेंट्स भी लिखे हैं जो हेड है उसमें ये एंटीना के साथ साथ प्री एंटीना भी आ जाता है एंटीना बनने से पहले का तो ये प्री एंटीनल सेगमेंट भी कंसीडर कर लिया जाता है ठीक है तो सही आंसर हो जाएगा सिक्स सेगमेंट्स ओके कौन से सेगमेंट है वो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से याद कर सकते हैं कौन सी चीजें कहां पर होती हैं ठीक है ओके ये है आपका इंसेक्ट मोरफोलॉजी का टॉपिक एक बार हम स्टार्ट कर देते हैं इंसेक्ट मोरफोलॉजी इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए देखो आपको माउथ पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन से होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन इसके एंटीना ये जो ये वाली चीज है ये जो मूछे जैसी होती है ये एंटीना है ऑसिली ऑसिली क्या होता है आपका जो सिंपल छोटी छोटी आइज होती है बीच में उसे कहा जाता है ऑसिली देन ये जो बड़ी बड़ी आइज है इसे कहा जाता है कंपाउंड आइज उसके बाद ये सारा हेड रीजन है जिसका मैंने बता दिया ये माउथ पार्ट्स होते हैं मैंडिबल सब माउथ पार्ट्स में आता है है देन दिस दिस ग्रीन पोर्शन इट इज ये ये क्या हेड हो गया ना अब ये थॉरक्स है इसी थॉरेक्स पे विंग्स होते हैं टू पेयर ऑफ विंग्स फोर विंग और हाइंड विंग फोर विंग जो आगे वाले विंग्स होते हैं हाइंड विंग्स जो पीछे वाले विंग्स होते हैं देन आपका एबडोमिन आता है एबडोमिन और थ्रू आउट द बॉडी ये जो आपको स्पाइरेकल दिख रहे हैं ये ओपनिंग्स होती हैं ट्रैकिया की जहां से इंसेक्ट रेस्पायर करते हैं ठीक है अब ये आपका लास्ट में आ गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये सारे कहां पर होते हैं एबडोम रीजन में होते हैं ठीक है सो ये मोर्फोलॉजी जो है मैंने डायग्राम में बता दी इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हम धीरे धीरे करेंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विंग्स आर प्रेजेंट ऑन विंग्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं ऑप्शंस आर ए हेड एंड प्रोथोरेक्स में प्रोमीजो एंड मेटाथोरेक्स में मीज़ो एंड मेटाथोरेक्स में या सर्विक्स एंड हेड में तो ये मॉर्फोलॉजी जिसको भी शिकायत रहती है खुद से कि उसको याद नहीं रहता है एंटोमोलॉजी वो क्या करे वो डायग्राम्स बनाए रिवीजन करे फटाफट से तो करना क्या है ये जो तीन रीजन है दिस दिस ये हेड है ये थॉरिक्स है और ये एबडोमिन है बस इसी में आपकी सारी मोर्फोलॉजी की कहानी है हेड में सिक्स सेगमेंट्स थॉरक्स में थ्री और एबडोमिन में नाइन टू इलेवन सेगमेंट्स ठीक है अब यहां पर आंसर जो है दामिनी राहुल वेरी नाइस प्रतीक्षा थ्री इज द राइट आंसर मीजो और मेटाथोरेक्स पे होता क्या है ये जो थॉरेक्स है इसके थ्री रीजन होते हैं ठीक है थ्री सेगमेंट्स होते हैं कौन कौन से प्रोथोरेक्स मीजोथॉरेक्स एंड मेटाथोरेक्स सबसे आगे वाला बिल्कुल हेड के बाद जो है वो प्रोथोरेक्स होता है देन बीच वाला मीजोथॉरेक्स और लास्ट वाला तीसरा मेटाथोरेक्स अब जो विंग्स होते हैं वो सिर्फ दो पेयर होते हैं तो एक पेयर मीजो पे होगा एक पेयर मेटा पे होगा ठीक है तो प्रो मीजो और मेटा में से प्रो में कोई विंग्स नहीं होंगे और एक पेयर मीजो में होगा एक पेयर मेटा में होगा बाकी आपको यहां पर दिख रहा है सर्विक्स क्या होता है जो हेड को थॉरेक्स से जोड़े जैसे जो ये आपका हेड है और ये धड़ है आपका इसको जो ये गर्दन जोड़ती है आपकी है ना बीच में क्या है गर्दन है वैसे ही हम बोल सकते हैं कि जो इंसेक्ट का हेड को थॉरेक्स से जोड़ता है वो जो गर्दन है आपकी उसे कहते हैं सर्विक्स जो सिर को वक्ष से जोड़े थॉरेक्स को कहते हैं वक्ष हिंदी में उसे कहते हैं सर्विक्स लेकिन यहां पर पूछा है विंग्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं तो मीजो और मेटा पर प्रेजेंट होते हैं ओके okay. सो uh, so यहां पर आप देख सकते हो मीजा लिख दिया मीजो है एक यहां पे है एक यहां पे है प्रो पे कुछ नहीं है प्रो पे लेग्स है थ्री पेयर ऑफ लेग होती है एक प्रो पे एक मीजो पे एक मेटा पे ठीक है एक एक पेयर नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकली काइटिन इज अ ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत पूछे जाते हैं तो मैं आपको बार बार रिवाइज कराती रहती हूँ केमिकली काइटिन क्या है प्रोटीन है लिपिड है फैट है या पॉलीसेकेराइड है बताओ केमिकली काइटिन क्या है? सबसे पहले तो काइटिन जो है जो इंसेक्ट का बाहरी ढांचा होता है एग्जोस्केलेटन होता है या वी कैन से क्यूटिकल होता है आउटर लेयर उसको बनाने में काम में आता है ठीक है जो इंसेक्ट का आ, स्किन है या एक्सोस्केलेटन है वो दो चीजों से मिलकर बना है काइटिन और प्रोटीन ठीक है जिसमें से काइटिन क्या होता है बिल्कुल काइटिन आर द पॉलीसेकेराइड नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप है तो काइटिन जो है उसको प्रोटीन नहीं बोलना है वो कैरेटीन होती है प्रोटीन काइटिन इज अ पॉलीसेकेराइड ठीक है तो ये ध्यान रखना नेक्स्ट द रिकमेंडेड ट्रैप क्रॉप फॉर डायमंड बैक मॉथ टू ओकरा थ्री इंडियन मस्टर्ड या फोर ऑल ऑफ दीज इसके साथ ही मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रैप क्रॉप भी लिखवाती हूं ट्रैप क्रॉप होती क्या है ये आपकी मेन क्रॉप है मेन क्रॉप आपको इस मेन क्रॉप को बचाना है ठीक है तो आप क्या करोगे आप क्या करोगे ये जो आपका पेस्ट है इसके साथ डील करोगे कि भाई हम तुझे ये दे देते खाने को तू हमारी इस मेन क्रॉप को छोड़ दे है ना तो यहाँ पर क्या है जैसे शेर होता है ना शेर पूरे एक कहानी थी शेर पूरे गांव वालों को खाता रहता था गांव के जो लोग थे उनको खाता रहता था एनिमल्स को खाता रहता था तो उन्होंने भी मीटिंग की और उन्होंने बोला हम खुद ही एक एक करके आ जाएंगे तो एक टर्न बाय टर्न सबका नंबर आता था है ना तो यहाँ पर भी जैसे बोला है आपकी मेन क्रॉप है कैबेज अब आप चाहते हो कि आपका ये जो डीबीएम है डायमंड बैक मॉथ ये आपकी कैबेज तक ना पहुंचे तो उसके बीच में आप ये बैरियर क्रॉप बनाओगे और इसके बीच में क्या लगा दोगे इंडियन मस्टर्ड लगा दोगे लिखा किसी ने हम्म ऑल ऑफ दीज नहीं है त्रिलोक मस्टर्ड है ठीक है देखो मस्टर्ड और कैबेज एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं डायमंड बैक मॉथ मस्टर्ड को भी पसंद करती है और कैबेज को भी पसंद करती है ठीक है तो डायमंड बैक मॉथ को बोलेंगे कैबेज को छोड़ दे इंडियन मस्टर्ड खा ले हमारी कैबेज को भी छोड़ दे वैसे ही अगर हमें बिल्कुल यहां पर किसने लिखा दामिनी ने लिखा वेरी नाइस nice. अगर हमें अपने टमाटर को बचाना है किससे फ्रूट बोरर से हेलिकोवरपा से अगर हमें अपने टमाटर की क्रॉप को बचाना है तो हम उसको मैरीगोल्ड दे देंगे अफ्रीकन मैरीगोल्ड कौन सा अफ्रीकन मैरीगोल्ड पसंद करता है ये तो बोलेंगे ये ले ले भाई इसको इन्फेस्ट कर ले, हमारे को देन अगर हमें कॉटन को बचाना है है ना अगर हमें कॉटन को बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं ओकरा की बलि दे सकते हैं जो आपका ये होता है स्पॉटेड वॉल्वर्म होता है ना स्पॉटेड वॉलवर्म एरियस वाइटेला ये जो है ये ओकरा में भी ओकरा को भी पसंद करता है खाना कॉटन को भी करता है तो अगर हमें कॉटन को बचाना है तो हम उसको ओकरा खिला देंगे ठीक है सेम अगर हमें टोबैको को बचाना है अगर हमें टोबैको को बचाना है तो हम कैस्टर दे देंगे किसको जो आपका स्पोडोप्ट्रा लिट्यूरा होता है टोबैको जो कैटरपिलर के, के, बोलते हैं उसको है ना तो या कटवम बोलते हैं जो भी तो उसके लिए ओके तो यहां पर आंसर हो जाएगा थ्री अगला सवाल फ्लडिंग ऑफ फील्ड कैन बी डन टू कंट्रोल ऑप्शन आर ए वाइट ग्रब बी कटवॉम सी टर्माइट्स या डी ऑल ऑफ दीज जो फील्ड में हम एकदम से पानी का बहाव जो है वो देते हैं किसको कंट्रोल करने के लिए हम दे सकते हैं बताइए वाइट ग्रब के लिए कटवॉर्म के लिए टर्माइट्स के लिए या इन सभी के लिए ही जो फ्लडिंग मेथड है कि हमारा खेत है ऐसे या हमारा फील्ड है उसको हम फटाफट से तेज बहाव के साथ बहुत सारा पानी वो करेंगे ताकि पानी के साथ बह जाए तो ये सारे के सारे सनी वर्मा बिल्कुल लाइव है बिल्कुल लाइव है ठीक है अभी है हम यही है दिवाली दूर है अभी चलो सो so, ये सभी के सभी ऑल ऑफ दीज ठीक है प्रतीक्षा वेरी नाइस nice.

स्पॉन्जिंग टाइप या च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप हाँ ओके दामिनी नो प्रॉब्लम बट अगर ऑल ऑफ दीज होगा ना ऑप्शन में तो आंसर की ऑल ऑफ दीज मानेगी ठीक है तो सारे ऑप्शन पहले ढंग से पढ़ना उसके बाद ऑल ऑफ दीज लगाना और दूसरी बात जिसमें भी ऑल ऑफ दीज होते हैं हमेशा ऐसे नहीं होता कि ऑल ऑफ दीज ही आंसर होगा इसलिए सोच समझ के आंसर दिया करो ठीक है ओके सो यहाँ पे वेरी नाइस nice, प्रतीक्षा दामिनी सनी राहुल सबका आंसर सही है इट्स स्पॉन्जिंग टाइप बाइटिंग एंड च्यूइंग होते हैं ग्रास हॉपर लोकस्ट क्रिकेट में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं व्हाइट फ्लाई बर्ग्स एफिड्स में स्पॉन्जिंग uh, टाइप होता है हाउस फ्लाई में और च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप होता है हनी बी में ठीक है तो ये माउथ पार्ट्स भी आपको रिवाइज करते रहना है नेक्स्ट क्वेश्चन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल इंसेक्ट इज प्रेजेंट ऑन वैसे तो इंसेक्ट हर्मेफ्रोडाइट फॉर्म में भी होते हैं लेकिन अगर कोई मेल इंसेक्ट है तो उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एबडोम के कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट होगा ऑप्शन आर फिफ्थ सेगमेंट नाइन्थ सेवेंथ या सेकेंड कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट होगा बताओ सो हियर द राइट आंसर इज कर रहे है कोई कोई बात नहीं द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू ओके नाइस दामिनी इट इज ऑन नाइन्थ सेगमेंट राइट ओके यहां पर नाइन्थ सेगमेंट में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहां पे पाए जाएंगे आपको यहां पे दिख रहा है ठीक है नाउ मस्टर्ड ऑफ अरे यार ठीक है कोई बात नहीं मस्टर्ड सॉ फ्लाई जो है वो हेमनोप्टर ऑर्डर की होती है अदरवाइज जितनी भी फ्लाईज हैं फ्रूट फ्लाई हाउस फ्लाई गोलमिज फ्लाई ये सब जो है वो डिप्टर ऑर्डर की होती है, है ना डाई मतलब टू टेरा मतलब विंग्स उसके टू ही विंग्स फंक्शनल होते हैं इसीलिए वो डिप्ट्रा ऑर्डर में होती है लेकिन ये जो मस्टर्ड फ्लाई है एक लौती ऐसी फ्लाई है जो डिप्ट्रा ऑर्डर में ना होके हेमनोप्ट्रा ऑर्डर में आती है और उसके जो लार्वा होते हैं उसको ग्रब कहा जाता है ऑल्सो ये हेमनोप्ट्रा ऑर्डर की एक लौती ऐसी इंसेक्ट है जो हार्मफुल होती है अदरवाइज इसमें बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आते हैं ठीक है अरे uh, नहीं दामिनी हेमिप्ट्रा नहीं हेमिप्ट्रा में तो बर्ग्स वगैरह आते हैं ना हेमनोप्ट्रा में आता है मस्टर्ड फ्लाई ठीक है चलो नाउ मालफीजियन ट्रिब्यूल्स आर प्रेजेंट एज द जंक्शन ऑफ मिड एंड डैश गट ऑप्शन आर फोर गट मिड गट हाइंड गट या नन ऑफ दीज तो माल फीजियन जो है मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं किसी भी इंसेक्ट के तो वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट ठीक है जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें 3 पार्ट्स हैं फोर गट सबसे आगे वाला मिड गट और हाइंड गट पीछे वाला तो जो मिड गट है बीच वाला और जो लास्ट वाला हाइंड गट है उसके बीच में क्या होगा उसके जो जंक्शन होगा मतलब मिड गट एंड हो रहा होगा हाइंड गट शुरू हो रहा होगा वहां पर आपके क्या होंगे मालफीजियन ट्यूब्यूल्स होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज लोकेटेड एट ऑप्शंस आर ए नासिक बी बेंगलोर सी पुणे या डी न्यू डेली जल्दी जल्दी से आंसर दे दो बारह बजे मेरी ना पेड क्लास भी है मुझे जाना पड़ेगा दूसरे स्टूडियो में ऊपर से ठीक है तो यहां पर सही आंसर है बैंगलोर कहां पर है सेंट्रल सिल्क बोर्ड बैंगलोर में है ओके प्लोइंग ऑफ द फील्ड इज अ डैश मेथड ऑफ कंट्रोल बायोलॉजिकल में आता है फिजिकल में आता है कल्चर में आता है या केमिकल में आता है तो जो भी चीजें हम कल्चरल प्रैक्टिस के अंदर करते हैं जब हम क्रॉप को लगाते हैं तो वो सारी क्या होती है कल्चरल मैथड होते हैं तो प्लोइंग भी क्या हो जाएगा यहां पर प्लोइंग ऑफ द फील्ड आपका कल्चरल मैथड हो जाएगा ठीक है हेम्यूलेट विंग कपलिंग किसमें होती है हेम्यूलेट विंग कपलिंग होती है हनी बी में ठीक है और इस तरीके से ये होती है जहां पर हाइंड विंग पे हुक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फोर विंग से उसको जोड़ता है तो ये लिंकिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे हेम्यूलाय कहते हैं हुक लाइक स्ट्रक्चर और ये हनी बी में होता है ठीक है ये कुछ और विंग कपलिंग है एम्प्लेक्सी फॉर्म जहां पर ओवरलैपिंग होती है दोनों विंग्स की और ये आपस में कपल करते हैं जुगेट में जुगल रीजन में ये लॉकिंग होती है इंटरलॉकिंग होती है सो so, आज के लिए इतना ही ठीक है अभी आपको हमारे किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है तो 80% ऑफ है और डबल वैलिडिटी है दो साल के लिए आपको कोई भी कोर्स मिलेगा ये है एग्रीकल्चर महापैक इस एग्रीकल्चर महापैक में आ, आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी दो साल के लिए हम जितने भी बैचेस लेकर आएंगे वो सारे बैचेस का एक्सेस सारी टेस्ट सीरीज ई बुक्स सबका एक्सेस आपको मिलने वाला है इस एग्रीकल्चर महापैक में कैसे आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो और कैसे आपको 80% परसेंट डिस्काउंट मिलेगा वो दिखा देती हूं गूगल पे लिखना है अड्डा पहला लिंक SO, इस पे क्लिक कीजिए अगर आप सी डब्ल्यू सी का बैच टारगेट कर रहे हो तो ये सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है ये आपका बैच है ठीक है आपको बाय नाउ पे जाना है यहाँ पे इस बैच में एनरोल करने के लिए एटी परसेंट डिस्काउंट के लिए वाई सेवन एट वन ए ये कोड आपको अप्लाई करना है 2.5 के में 2599 में आपको ये बैच मिल जाएगा इसमें आपको लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस जितने भी नोट्स हैं वो आप प्रिंट करवा सकते हो डाउनलोड कर सकते हो आपको डिस्कशन ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पे आप हम, हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो ठीक है सो हैव अ वेरी नाइस डे बाय टेक केयर एंड स्टे सेफ